जही वेद धर्म दुहि लेहि किसुन पराय पाप कहित कपटे कुटिल कलह प्रिय क्रोधी वेद विदूषक विष विरोधी लोभी लंपट लोलुप चारा चेता कहीं पर धन पर दारा पापों में तिनकी गति बोरा जो जननी ये सम्मत मोरा जे नहीं साधु संग अनुरागे परमारथ पथ बिनु भागे जे न भजई हरि नर्तन पाई जिन्हें न हरिहर सुजस्व आई तज श्रुति पंथ वाम पंथ चलही बंचक विरज वेश जल छलही तिनके गति मुनि शंकर देव जननी जो ये जानो भेहु मात भरत के वचन सुनी साचे सरल सुहाए कहत राम प्रिय तात तुम सदा वचन मन काए श्री राम बलराम जय जय राम जय प्रभु राम जय जय राम श्री राम जय राम कल हम सब चर्चा कर रहे थे जे परिहर हरिहर चरण भजे भूत कर तेही की गति मुनि जेव विधि जो जननी मत हो श्री भरत जी महाराज अनेक प्रकार से शपथ लेते हुए अपने हृदय के भाव को व्यक्त करते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार के पाप जो संभव हैं इस घटना चक्र में जो समझ में आ रहे हैं श्री भरत जी को जिन जिन प्रकार के पापों की संभावना उनको लगती है उन सब के विषय में वो शपथ ग्रहण करके कहते हैं कि अगर भगवान श्री राम को बनाए जाने के लिए मेरी जननी के मत में मेरी भी सम्मति रही हो तो मेरे को ये पाप लगे अर्थात श्री भरत जी बताना चाहते हैं कि माता कैकेयी ने जो वरदान मांगा वो भरत जी उससे सब प्रकार से अनभिज्ञ हैं उसमें उनकी किसी प्रकार की सम्मति भी नहीं है और तो प्रबुद्ध वर्ग है जैसे भगवान श्री राम ने स्पष्ट कह दिया दोष देई जननी जड़ तेई मेरी माता कैकेयी जी के लिए भगवान श्री राम जननी शब्द प्रयोग करते हैं दोष देई जननी जड़ तेई वो जड़ बुद्धि वाले मेरी जननी को दोष देंगे जबकि जन्मदात्री जननी कौशल्या जी हैं परंतु भगवान श्री राम को लगता है कि माता कैकेयी ने मेरा उज्जवल भविष्य बना दिया माता कैकेयी के कारण ही राम कथा जो है कही जाएगी आदो राम तपो वनादि गमनम यहाँ से रामायण प्रारंभ होगी आदौ कौशल्या गर्भ जन्म ऐसा नहीं कौशल्या के गर्भ से भगवान का प्राकट्य हुआ यहां से रामायण नहीं है आदौ राम तपोवन आदि गमन तपोवन में भगवान श्री राम गए वहां से राम कथा है और उसका श्रेय मेरी जननी मतलब इन्होंने मेरे को वास्तविक में जन्म तो इन्होंने दिया वो तो जननी ने जन्म दिया था परंतु जो मेरा उज्जवल भविष्य बना है उज्जवल भाग्य बना है वो माता कैकेयी के द्वारा बना है तो सभी को मालूम है कि कैकेयी जी ने जो कुछ भी किया वो देवताओं की माया से प्रेरित होके किया गया था और देव माया से प्रेरित होके उन्होंने इस प्रकार का वरदान मांगा और जो भी हुआ परंतु कैकेयी को ही देवताओं ने क्यों चुना
वो एक प्रश्न होता है। अथवा मंथरा को ही क्यों चुना गया? तो मंथरा और केकई को चुनने के पीछे, मंथरा जो है अयोध्या का, जन्म से जल का सेवन नहीं की है और शरीर से इसकी ऐसी स्थिति थी तो सरजू स्नान करने के लिए भी नहीं जा सकती थी। एक निमिष सरजू बसे तुले न तुलसीदास, कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प निवास। करोड़ों कल्प तक काशी में निवास करें, 1000 वर्ष तक मथुरा में निवास करें, एक निमिष तुलसी सरजू, एक निमिष सरजू के तट पे रहे तो वो जो काशी का निवास का फल है, मथुरा निवास का फल है, वो बहुत तुच्छ होता है, बहुत तुच्छ होता है। मतलब सरजू का सानिध्य, सरजू का जलपान अति उत्तम है, सर्वोत्तम है, इससे उत्तम भूमंडल पे कुछ नहीं है, इससे कुछ नहीं है। तो ये जो भरत जी महाराज कह रहे हैं, जे परही परिहरी हरि हर चरण, हम सबको हरिहर की उपासना करनी चाहिए। उपासना में हरि हर, हरि जो हैं हमारे इष्ट हैं, हमारे आराध्य हैं, और हर जो हैं उन तक पहुंचाने का माध्यम है। शंकर भजन बिना नर भक्ति ना पावई मोर, बिन छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। प्रथमय कहे मैं शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार, सुच सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। शंकर जी जो हैं शिव सेवा कर फल सुत सोई, अबरल भक्ति राम पद हुई। शिव सेवा कर, शंकर जी की सेवा का एक ही फल है इस, क्योंकि शंकर जी की सेवा ऐसी है तीनों लोक में, तीनों काल में सबसे श्रेष्ठ है, सर्वोपरि है। तो उसका फल, पूर्ण फल जो है राम पद नेहु, भगवान श्री राघवेंद्र के चरणों में प्रेम हो जाना। और हम सब तो ठगे जाते हैं, हम सब शंकर जी की उपासना करके, आराधना करके, शंकर जी जो हैं शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं। आशुतोष तुम अवढर दानी, शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अवढर दानी है, जितना हम सोच नहीं सकते उतना दे देते हैं, उदार है वो। तो ऐसे भगवान शंकर जो हैं उनसे हम संसार की तुच्छ वस्तुएं मांग लेते हैं, ये बेटी की शादी नहीं हो रही, संतान नहीं है, ये है वो है, नौकरी नहीं लग रही, जॉब नहीं चल रहा, धंधा नहीं चल रहा। ये भगवान शंकर, चलो जो मांग रहे हो उतना दे देते हैं, क्या करें, हम उससे अधिक रखने के लिए अपने अंदर पात्रता नहीं रखते, हमारी पात्रता सीमित है। हम ऐसे संकीर्ण पात्र हैं कि जिसमें भगवान शंकर उससे ज्यादा रख नहीं सकते, वो चाहते भी हैं। अब जैसे हमारा पात्र एक छोटा सा है, कोई एक बाल्टी भर के गंगा जल उसमें भरना चाहे, कैसे संभव, जितना उस पात्र में आएगा आएगा शेष भार गिर जाएगा। तो ये हमारी जो मानसिकता है, हमारी जो कमजोरी है, हमें पात्रता का अभाव है, इस कारण से भगवान शंकर दे नहीं पाते, अन्यथा वो तो शिव सेवा कर फल सुसोई, अवरल भक्ति राम पद हुई, अचला भक्ति, अनपायनी भक्ति,
अचल भक्ति देते हैं, जो भक्ति कभी भी चलायमान ना हो, स्थिर भक्ति देते हैं। भगवान शंकर तो बहुत दयालु हैं। तो जो व्यक्ति हरि हर चरण इनको छोड़ के, शिव और नारायण की आराधना छोड़ के, राम और शिव की आराधना छोड़ के भजई भूत गण घोर और भूत प्रेत इत्यादि की तमोगुनी आराधना कर रहा है, ये सब तामसी हैं, भूतगण घोर अघोरी। और गीता में भगवान कहते हैं जो भूतों को पूजने वाले हैं वो अंतिम में भूतों को ही प्राप्त होते हैं, बनेंगे भूत प्रेत। वैसे तो अभी बन जाते हैं जब उनकी उपासना करते हैं ना, तो उन जैसी शकल बन जाती है, उन जैसा गुण आ जाता है, उन जैसी रहनी सहनी आ जाती है, वो भी अघोरी हो जाते हैं। जो जिस प्रकार की आराधना उपासना करता है, वैसे गीता में भगवान ये भी कहते हैं वास्तविक में तो सब परमात्मा की ही आराधना उपासना करते हैं, परंतु हमारी जो मान्यता है, हमारी जो धारणा है कि हम अमुक देवता की आराधना कर रहे हैं, यक्ष की आराधना कर रहे हैं, गंधर्व की कर रहे हैं, पितरों की कर रहे हैं, अथवा भूतगणों की कर रहे हैं, तो उसके अनुरूप फल परमात्मा उस रूप में दे देते हैं, क्योंकि शक्ति तो परमात्मा की है। जितने भी देवी देवता हैं, जैसे इस शरीर में हाथ में जो शक्ति है, घ्राण में जो शक्ति है, नेत्र में जो शक्ति है, जीवात्मा की, जीवात्मा इससे निकला ये हाथ ऐसा ही रह जाएगा, नेत्र ऐसे ही रह जाएंगे, श्रवण ऐसे ही रह जाएंगे, सब शक्तिहीन हो जाएंगे, सब शक्तिहीन हो जाएंगे। इसी प्रकार से सभी देवी देवताओं में शक्ति तो वही आदि शक्ति भगवती और उसका अधिष्ठान परमात्मा श्री राम, शक्ति के जो अधिष्ठान है वो परमात्मा है। जब हम परमात्मा की आराधना उपासना करते हैं तो शक्ति हमारे अनुकूल हो जाती है। भरत जी कह रहे हैं जे परिहर हरिहर चरण भजई भूत गण घोर, जो भगवान नारायण की हरि, हरि का अर्थ नारायण होता है ऐसा ही नहीं मान लेना, रामाख्य मीशम हरिम, राम नाम से जिसकी ख्याति है वो साक्षात हरि है। ये जितने भगवान के नाम है वो भगवान के विशिष्ट गुणों के आधार पे है। जैसे राम, रमनते योगिनो अश्मिन नीति राम, जिसमें चराचर रमन करता है, जिसमें सारी सृष्टि रमन करती है, जो सारी सृष्टि में रमन करता है, जिसमें योगी जन भक्त जन रमन करते हैं, वो है राम। कृष्ण जो सबको खींचता है, आकर्षित करता है, खींच लेता है, आकर्षण है उसमें, कृष्ण है। विष्णु व्यापक है। नारायण, नार कहते हैं जल को, नार कहते हैं जीव को, जीव के अंदर जो निवास करते हैं, जीव की जो चेतना है वो है नारायण, जो क्षीर सागर में निवास करते हैं वो है नारायण। ये सब भगवान के नाम जितने भी हैं उनके विशेष गुण के आधार पे हैं। हरि, इसीलिए भगवान का कोई नाम नहीं है, और जितने नाम हो सकते हैं वो सब परमात्मा के। जत भी प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कहे अधिक एकते एका, भगवान के असंख्य नाम है। विष्णु सहस्र नाम, राम सहस्र नाम, गोपाल सहस्र नाम, सब राम जी के ही तो नाम। जितने भी नामावली है
वो सब भगवान के ही नाम है। परंतु वो जो परमात्मा है उसका कोई नाम नहीं है, कोई वो सर्व नाम वाला है, वो सर्व रूप वाला है, वो अनाम है। हाँ, नाम लेने वालों को इनाम जरूर मिल जाएगा। तो परमात्मा का नाम जो हरि है, सर्वश हमारा हरण कर लेता है, हमारे अहंकार को ले लेता है। और जब हमारा अहंकार परमात्मा छीन लेते हैं, बलात् जबरदस्ती खींच लेते हैं, हम तो नहीं देना चाहते, हमारे अहंकार को ठेस लगती है, हमको बहुत बुरा लगता है, हम कहते हैं हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंची, हम स्व को जानते नहीं, हम देहाभिमानी लोग स्वाभिमान की बातें करते हैं। क्या है स्वाभिमान? सिरा तो भरत जी कह रहे हैं, जय परिहर हरिहर चरण, जो भगवान हरि और हर के चरणों को छोड़कर भजई भूतगण घोर, जो अघोरी आराधना उपासना करते हैं, भूतगणों की आराधना उपासना करते हैं, तेई की गति मोहि देव, उनकी गति मेरे को प्राप्त हो जाए। कौन देगा? विधि है विधाता, आप जानते हैं कठिन कर्म गति जान विधाता, आप कर्म की गति को जानते हैं, मैंने जो भी कर्म किए उनको आप अच्छे, जो जननी मत मोर, अगर मेरी जननी के विचारों में मेरी सम्मति रही हो तो जो भी उन्होंने वरदान मांगे, जिस भी प्रकार का उन्होंने क्रियाकलाप किया उसमें अगर मेरी सम्मति हो, किसी भी प्रकार से सम्मति हो, तो ये भूतगण को पूजने की और भगवान को छोड़ के केवल भूतगणों को पूजता कम अपराध, परंतु भगवान की आराधना छोड़ के, हरिहर की आराधना छोड़ के, हरिहर के चरण को छोड़ के, भगवान की आराधना बहुत सरल है, पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्ता प्रक्षित, दो बूंद जल की चढ़ा दिए भोले बाबा पे, खुश हो गए वो तो, चार बूंद जल की अर्थ धर्म काम मोक्ष सब ले लो, और तो क्या, एक उपचार पूजा, षोडश उपचार, पंच उपचार, 32 उपचार, 64 उपचार नहीं, केवल एक उपचार, केवल नमस्कारोमि, नमस्कार कर लो आप, मैं भगवान को नमस्कार करता हूं, भगवान उसमें ही इतने संतुष्ट हो जाते हैं कि देवताओं को दुर्लभ स्वर्ग, स्वर्ग की संपदा दे देते हैं। तो उनको हम छोड़ के किसको भज रहे हैं? भूतगण को भज रहे हैं, उनकी गति हमको विधाता दे। जो ऐसे वज्र मूर्ख हैं, ऐसे महामूर्ख हैं कि इतनी उत्तम सुलभ सरल उपासना को हम छोड़ दिए और ये कठिन क्लिष्ट उपासना करके, तमोगुनी आराधना उपासना करके, मसान में रहना, दिगंबर होके जाके आराधना उपासना करना, अनेक अनेक प्रकार की बातें, बड़ी समस्या है, और वो करने को तैयार हैं, शव पे बैठ के आराधना करनी पड़े, मुर्दे पे बैठ के, जो चिता जल रही है उसमें भोजन पका के खाओ, ये अघोरी उपासना है, कठिन उपासना है, और ये भगवान की इतनी सरल उपासना,
केवल नमस्कार करने मात्र में प्रसन्न हो जाते हैं। श्री गणेश आय नमः, श्री राम आय नमः, विष्णवे नमः, केवल नमस्कार इतने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद श्री भरत जी कहते हैं, बेचहीं वेद धर्म दुहिलेहीं पिसुन पर आए पाप कह देहीं। बेचहीं वेद बड़ा भारी पाप है, ज्ञान को बेचना। बेचहीं वेद ज्ञान को बेचना, वेद को बेचना। अरे वेद ज्ञान दान दिया जाता है, बेचा नहीं जाता है, कौन उसका मूल्य चुका सकता है। परंतु पहले से कि हम तुमको वेद अध्ययन तब कराएंगे, इतना शुल्क होगा, इतना शुल्क देना, तब फिर वेद अध्ययन करना, तभी एडमिशन मिलेगा तुमको। ज्ञान को बेचना। हम ब्रह्म सूत्र पे प्रवचन करेंगे, परंतु प्रवचन का इतना शुल्क होगा, एक घंटे का इतना। बेच ही वेद ज्ञान को बेचना है, धर्म दुहिले ही धर्म का दुहन करना है। हम यज्ञ करेंगे, धर्म है यज्ञ करना, परंतु इतना हमको मिलना चाहिए। तुम्हारा अनुष्ठान कर देंगे, तुम्हारा जप कर देंगे, तुम्हारा ये कर देंगे, ये कर देंगे, इतना शुल्क। धर्म के नाम पे धंधे चलाना, मंदिर बनाएंगे, चंदा इकट्ठा करेंगे लोगों से, और अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करेंगे, बच्चों की शादी में लाखों रुपए का खर्च करेंगे, ठाकुर जी की सेवा के लिए आया हुआ धन अपने निहित स्वार्थों में लगाएंगे, विषय भोगों में लगाएंगे, धर्म की ओट में अर्थोपार्जन करके उसका दुरुपयोग करना। बेच ही वेद धर्म दुही ले ही पिसुन पर आए पाप कह दे। चुगली करना, चुगल खोल दो, बड़े खतरनाक चुगली करते रहते हैं, इधर की इधर, इधर की इधर, इधर की। पर आए पाप कह दे, दूसरों के पाप का वर्णन करना, ऐसा भयंकर पापी है वो, ऐसा ऐसा करता है, ऐसा करता है वो, ऐसा करता है वो, ऐसा करता है। दूसरों के पापों को कहना, पर आए पाप कह दे। हम ये भूल जाते हैं कि जिसका हम पाप बखान कर रहे हैं उसका पाप हमारे सिर पे आ रहा है, वो तो निष्पाप होता चला जा रहा है, हम बीच में उसमें ऐसे दलाल बन गए, सब उसका पाप हमने अपने सिर पर रख लिया। पिसुन पर आए पाप कही देही, कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विष विरोधी। वाल्मीकि रामायण में तो भरत जी ने बहुत शपथ की है, बहुत प्रकार के पापों का वर्णन किया है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने थोड़े से में लिख दिया है, समझदार को इशारा ही काफी है, ज्यादा इतना विस्तार करने की जरूरत उनको नहीं लगी, कुछ अंश में दिया है। कपटी, कपटी लोग, अंदर कुछ बाहर कुछ, कुटिल टेढ़ी चाल वाले, कलह प्रिय बस थोड़ी सी बात चाहिए झगड़ने के लिए तैयार,
कलह प्रिय हैं, बड़ा अच्छा लगता है उनको, तो थोड़ी सी बात पे विवाद शुरू कर देंगे। भयंकर क्रोधी हैं, क्रोध तो उनकी नाक पे रखा है। वेद विदूषक, वेदों की निंदा करने वाले, वेदों की आलोचना करने वाले, वेदों की हंसी उड़ाने वाले, उनकी ऋचाओं का गलत ढंग से अर्थ घटन करके हंसी उड़ाना, वेद विदूषक। विष विरोधी, ये विश्व वैसे तो आप सब जानते हैं, भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम में पहला नाम है ओम विश्वम, तो विश्व विरोधी का अर्थ हो गया विष्णु विरोधी, और दूसरे अर्थ में ले तो संपूर्ण विश्व के विरोध। जो सबसे विरोध करता है, लोभी, निन्यानवे का चक्कर, और बढ़ जाए और बढ़ जाए और बढ़ जाए, तृप्ति नहीं होती है, जितना परमात्मा ने दिया है उसमें संतोष नहीं, अपनी लायकात से ज्यादा भगवान ने दिया है, हमारी जो योग्यता है उससे ज्यादा भगवान ने दिया है, परंतु हमारा लोभ, जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, जितना लाभ होता है उतना ही लोभ बढ़ता चला जाता है। 100 रुपए है 100 का लोभ है, 1000 है 1000 का लोभ है, करोड़ है करोड़ का लोभ है, अरब है अरब का लोभ है, बस और। तो ये लोभी लंपट, परितीय लंपट कपट सयाने, दूसरों के धन संपत्ति के प्रति, दूसरों के पत्नियों के प्रति जो लंपट है, लोलुपचार, और इन सब में जो लगे हुए हैं, बस दिन रात लोभ और लंपट, लोभी लंपट हैं, लगे हैं दिन रात। जे ता कहीं पर धन पर दारा, जो हमेशा देखते रहते हैं दूसरों का धन कैसे निकाल लें, इसके पास इतना आ गया है कहां से आ गया है, कैसे आ गया है, इसमें से इतना परसेंट हमको मिलना चाहिए। अरे बाबा तुमने क्या किया है जो तुमको इतना परसेंट चाहिए, पर देखते रहते हैं कि इसके पास कहां से आया कैसे आया। ऐसे सीधे नहीं देगा तो फिर बच्चों का अपहरण करेंगे, कुछ दूसरे काम करेंगे, इधर उधर शिकायत करके, इधर उधर रास्ते खोज के जेता कहीं पर धन पर दारा, दूसरों की स्त्रियों को कैसे अपनी भोग्या बनाए, अपनी भोग की वस्तु बनाए। ऐसे जो लोग हैं, पावूं मैं तिनके गति घोरा, जो जननी ये सम्मत मोरा, पावूं मैं तिनकी गति घोरा, उनकी जो अत्यंत भयंकर गति है वो मेरे को प्राप्त हो, जो जननी ये सम्मत मोरा, मेरी जननी माता केकई के विषय में अगर मेरी सम्मति रही हो तो इन सब पापियों को जो दंड मिलता है, भयंकर उनकी दुर्गति होती है, वो दुर्गति मेरी हो, मेरी हो। इसके बाद फिर भरत जी कहते चले जा रहे हैं जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे, जिन्होंने साधु महात्माओं का संग नहीं किया वो अभागे हैं, जिनको साधु संग में अनुराग नहीं है, प्रेम नहीं है, साधु संग में अच्छे नहीं लगते,
एक डॉक्टर एमएस आई नेत्र के विशेषज्ञ सर्जन वृंदावन में रामकृष्ण मिशन में जॉब लग गया। वेतन अच्छा था, लग गए। थोड़े दिन के बाद कहेंगे हम तो बहुत परेशान हो रहे हैं, सुबह से शाम तक ये लाल कपड़े साधु संगों बताओ, इन्हीं का दर्शन होता है, देख देख के परेशान हो गए, पकड़ो इनकी नब्ज, इनके नेत्र का सर्जरी करो, ये करो वो करो, नहीं ये जॉब ठीक नहीं। तो जे नहीं साधु संग अनुरागे, जिनको संतों का संग में अनुराग नहीं है, प्रेम नहीं है साधुओं के संग में अनुराग, अरे ये सब भगोड़े लोग, काम धंधा हुआ नहीं साधु बन गए। ये सब पलायनवादी लोग हैं, इन सबको तो सीमा पे भेज दो, टकराते रहे। तो साधु संघ में अनुराग नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, मति कीरत गति भूत भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव, लोकं वेद न अनुभव। गोस्वामी तुलसीदास जी के विचार से किसी भी व्यक्ति ने अच्छी बुद्धि पाई है, मति, उसकी कीर्ति, उसका उज्जवल यश फैला है, उसको सदगति मिली है, उसने कुछ अच्छे भले कार्य किए हैं, उसको ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई है, सो जानो सत्संग प्रभाव, वो जानता है कि सत्संग का प्रभाव है ये सब। लोकों वेदना अनुपम, लोक में और वेद में इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं। तो जो व्यक्ति साधु संघ के अनुराग नहीं करते तो इन सब चीजों से ठगे गए। मति कीरत गति भूत भलाई, ये सब चीजें गई। वैसे कुछ लोग कह सकते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि साधु महात्माओं के विरोधी हैं और बहुत तेज बुद्धि है, सुबह से शाम तक ठगते रहते हैं, वकालत खूब चलती है, अच्छी बुद्धि है और धनेश्वर भी बहुत, रावण साधु महात्माओं का टैक्स लेता था और फिर भी उसके पास तो धन दे। वो हनुमान जी महाराज ने कहा, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिन भाई। अरे भाई रावण, तू सोच रहा है कि तेरे पास इतना धन वैभव ऐश्वर्य है, परंतु तू ये नहीं जानता तू राम जी का विमुख है, तू भगवान से विमुख हो गया है, तो ये उसी प्रकार से तेरा धन दौलत है जिस प्रकार से बरसाती नालों का पानी है। बरसाती नालों में वर्षा के समय खूब पानी आता है, बरस गए पुनीत सुखाई, और वर्षा गई और वो सूखे, जब जरूरत है पानी की तब उसमें जल नहीं है, और जब चारों तरफ पानी पानी हो रहा है उसमें बाढ़ आ रही है, लोगों के लिए परेशानी बना। तो ये जो साधु महात्माओं का संग नहीं किए हैं, जो साधु संतों के प्रति अनुराग नहीं रखते, उनको धन वैभव ऐश्वर्य मिल तो जाएगा परंतु समय आने पे धोखा दे देगा। कर्ण के पास धनुर्विद्या तो बहुत है, ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र और कौन कौन से अस्त्र,
परंतु समय आने पर धोखा दे दिया सबको। तो इसी प्रकार से जो साधु संग नहीं करते हैं, जिनको साधु महात्माओं के प्रति अनुराग नहीं है, उनको ये सब चीजें प्राप्त तो हो जाएंगी, परंतु समय आने पे धोखा दे देंगे। जब जरूरत नहीं है तब दिखाई देंगी, और जब जरूरत होगी तो नदारत, तब कुछ नहीं। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमार्थ पथ विमुख भागे। वो परमार्थ पथ को छोड़ के यत्र तत्र भटक रहे हैं, अभागे हैं। वो जो पूर्व में उन्होंने सत्कर्म किए थे, सुकृत किए थे, उनसे जो उनका भाग्योदय होने वाला था उसका तिरस्कार कर दिया है। किस प्रकार से? परमार्थ के पथ पे ना चलकर। परमार्थ पथ पे चलने से हमारा सौभाग्य, जो हमने सत्कर्म किए हैं, सुकृत किए हैं, वो अपना पूरा पूरा परिणाम देते हैं, उसमें और वृद्धि हो जाती है। और जब हम परमार्थ पथ को छोड़ देते हैं, परमार्थ क्या है? राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। राम जी जो हैं साक्षात परमार्थ रूप हैं। जो राम जी की उपासना नहीं करते, जो राम जी का भजन नहीं करते, वो परमार्थ पथ के विमुख हो गए हैं। इसलिए वो अभागे हैं। उनका दुर्भाग्य यही है कि उन्होंने परमार्थ पथ छोड़ दिया है। जे न भजई हरि नर्तन पाई, जिन्हें न हरिहर सुजस्वहाई। और जो मानव शरीर पाकर भी भगवान का भजन नहीं करते, ये बात समझने की है। जे न भजई हरि नर्तन पाई। क्यों? क्योंकि ये जो मानव शरीर दिया गया है, ये केवल भजन के लिए ही दिया गया है। संसार के जितने भी कार्य हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये सब आपने, हमने, सभी ने 84 लाख शरीरों में खूब किया है। एक एक साथ 100-100 बच्चे देने वाले, सर्पनी बहुत बच्चे, सुअरी बहुत बच्चे देती है, बीची बहुत, आहार के विषय में हाथी बन के, अजगर बन के बहुत खाया है। हाथी 1-2 क्विंटल रोज का चाहिए। एक इंसान का 6 महीने का खर्च वो 1 दिन में खा जाए। खूब खाया है, मतलब सब संसार के कार्य जो आज का मानव कर रहा है, वो सब तो अन्य शरीरों में भी प्राप्त था और खूब मस्ती से प्राप्त था, कोई रोक टोक नहीं। परंतु जे न भजई हरि नर्तन पाई, मानव शरीर पा करके भगवान का भजन नहीं करता है। जिन्हें न हरिहर सुजस्वाई, जिनको भगवान हरि और भगवान हर की कथा में रस नहीं है, उनका सुजस अच्छा नहीं लगता है, हरिहर सुजस अच्छा नहीं लगता है, तजी सुति पंथ बाम पंथ चलहीं। जो वेदोक्त मार्ग है उसको छोड़ के बाम पंथ पे चल रहे हैं, ये बामपंथी। मोहन, मारन, उच्चाटन, वशीकरण और क्या क्या कर रहे हैं, बामपंथी मार्ग, बामपंथी साधनाएं कर रहे हैं।
वंचक बिरच बेश जग छलाई, ठग हैं और नाना प्रकार के स्वांग बना के, नाना प्रकार का वेश बना के साधु के वेश में लोग समझे के बहुत भला आदमी है। जग छलही, जग को छल रहे हैं, छल पूर्वक उनको ठग रहे हैं, वेश साधु का बना लिया। भूल जाते हैं उघरई अंत न होई निबाहू, काल नेम जिम रावण राव। जब पाप का घड़ा भर जाएगा तो फूटेगा, दुर्गंध फैलेगी चारों तरफ। बिन अघ की कोई अपजस लही, बिना पाप के किसी का अपजस नहीं होता है। अपजस हो रहा है तो किस कारण से हो रहा है, उसका पाप है। वंचक बिरच बेश जग छल, ठग लोग हैं नाना प्रकार का अच्छा बेश बना के, साधु बेश बना के समाज को छल रहे हैं, ठग रहे हैं। तिनके गति मोई शंकर देव, हे भोले बाबा उनकी गति मेरे को मिले। जन्नी जो ये जानू भेहू, अगर इस विषय में मेरे को थोड़ी भी जानकारी हो, मैंने उसमें सहयोग तो किया ही नहीं, परंतु जितनी भी यह घटना घटित हुई है मेरी माता केकई के द्वारा, मंथरा के द्वारा जो कुछ भी ये सब घटना घटी है उसके भेद को मैं अगर जानता तो ये जो ऊपर सब गिनाया गया उनकी गति भगवान शंकर मेरे को दें। वो तो संहार करता देव है, मिटा दें मेरे को, बिल्कुल मिटा दें, कर दें मेरे को बर्बाद अगर मेरी इसके भेद जानने में मेरे को कुछ भी मालूम, कुछ भी भेद मालूम हो कि वहां ऐसी ऐसा काम हो रहा है, मेरे को कुछ नहीं मालूम था। जब भरत जी ने इस प्रकार से कहा तो कौशल्या अम्बा ने बस मुंह पे हाथ रख दिया, मुंह पे हाथ रख दिया, बेटा बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब नहीं कहो, अब मैं सुन नहीं सकती हूं, मेरा हृदय फटा जा रहा है, मेरा हृदय फटा जा रहा है, मैं नहीं सुन सकती। माता भरत के वचन सुनी साचे सरल सुभाए। जब माता ये है, जननी केकई है और ये माता है, मां का गौरव कौशल्या जी है। जब माता जी ने भरत जी के साचे सरल स्वभाव से ही जो सत्य है, स्वभाव से ही जो सरल है, ऐसे वचनों को सुना, ऐसे वचनों को सुना तो कहने लगी कहत राम प्रिय तात तुम सदा वचन मन का है। हे तात, आप हमेशा से भगवान श्री राम के अत्यंत प्रेमी रहे हो, अत्यंत प्रेमी रहे हो। बार बार मुई कहे वही पा, महाराज दशरथ हमेशा कहते थे जानो भरत कुलदीपा, ये भरत को हमेशा कुलदीप समझना, ये कुल का नाम उजागर करेगा, उजागर करेगा। बेटा भरत तुम राम जी के सदा से प्रिय हो, राम जी सदा से तुमको प्रेम करते हैं, वो सदा तुम्हारा ही चिंतन करते हैं और तुम भी राम जी को उसी प्रकार से प्रेम करते हो जिस प्रकार से राम तुमसे प्रेम करते हैं। दोनों का अन्योन्याश्रित प्रेम है, अनन्य प्रेम है दोनों का, राम जी के प्रति भरत जी का, भरत जी के प्रति राम जी का, दोनों का एक दूसरे के प्रति अनन्य प्रेम है। तो माता भरत के वचन सुनी साचे सरल सुभाए, भरत जी को रोक दिया, उनके मुंह पे हाथ रख दिया कि बेटा बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब आगे मत बोलो, आगे मत बोलो,
इस प्रकार से अब माता कौशल्या जी जो हैं भरत जी को, जब भरत जी ने इस प्रकार की शपथ, विधाता शंकर जी दो बातें उन्होंने विशेष कही, एक तो उस क्रियाकलाप में मैं अगर भागीदार हूं अथवा उस भेद को मैं जानता हूं, दोनों ही भरत जी दोनों से ही निर्लिप्त रहे हैं, ना तो भेद जानते हैं, उसके विषय में किसी प्रकार की जानकारी भी भरत जी को नहीं थी, और यहाँ आने के बाद ही, अयोध्या में आने के बाद माता केकई के द्वारा ही सब जानने को मिला है, उससे पूर्व भरत जी कुछ नहीं जानते हैं, और जब जानते ही नहीं तो क्रियाओं में किसी प्रकार से भागीदारी का तो प्रश्न ही नहीं है, किसी प्रकार से भी उन्होंने उसमें प्रवेश भी नहीं किया है, किसी प्रकार से भी उसके साथ जुड़े नहीं हैं। तो माता कौशल्या जी कह रही हैं, राम प्राण होते प्राण तुम्हारे, राम जी जो हैं तुमको प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं, तुमको भी, राम जी को तुम जैसे प्रिय हो इसी प्रकार से तुमको राम प्राण होते प्राण तुम्हारे, प्राणों के भी प्राण है, प्राणों के भी प्राण है, सबको प्राण बहुत प्रिय होता है, प्राण को बचाने के लिए, जीवन को बचाने के लिए हम शरीर का भी उत्सर्ग करने को तैयार होते हैं, शरीर के कोई अंग देना पड़े तो हम देने को तैयार होते हैं, कोई बात नहीं, नाक कटे तो कट जाए शरीर तो रह जाए ना, हाथ कटे तो कट जाए, पैर कटे तो कट जाए, नेत्र जाए, किडनी निकल जाए, शरीर बच जाए, जीवन बच जाए, प्राण बच जाए, बस प्राण बच जाए, सब कुछ हम त्याग करने को तैयार हो जाते हैं। प्राण होते प्राण तुम्हारे, प्राणों के भी प्राण हैं तुम्हारे लिए, तो राम जी जो हैं प्राणों के भी प्राण हैं, तुम रघुपति ही प्राण होते प्यारे, और रघुपति को तुम भी प्राणों से अधिक प्रिय हो, रघुनाथ जी को आप भी प्राणों से अधिक प्रिय लगते हो। विधु विष चबे, अब माता जी कह रही हैं, माता कौशल्या जी कह रही हैं कुछ असंभव बातें, क्या विधु विष चबे श्रवे हिम आगी, चंद्रमा जो है विष टपकाने लगे, चंद्रमा से विष टपकने लगे, श्रवे हिम आगी, और अग्नि से श्रम, हिम से श्रवे हिम मतलब बर्फ से अग्नि प्रकट हो जाए, नहीं संभव है, नहीं संभव है, चंद्रमा जो है अपनी किरणों के द्वारा अमृत तत्व देके वनस्पतियों को सबको पुष्ट करता है, अमृत है वो, जीवन देता है, इसीलिए औषधियां जो हैं शुक्ल पक्ष तक बढ़ती हैं, विकसित होती हैं, उसके बाद उखाड़ी जाती हैं कृष्ण पक्ष में, क्योंकि पूरा पूर्णिमा तक जितना उसमें विकास संभव है, वैसे उसकी आयु के हिसाब से पर ये ख्याल रखा जाता है कि कौन से पक्ष में औषधियों का संग्रह किया जाए, ये काष्ठादि औषधियां, जड़ी बूटी इत्यादि पूर्ण विकसित हो जाती हैं, चंद्रमा जो है अमृत की वर्षा करता है। शरद पूर्णिमा पे आप सब पायस रखते हो, चंद्रमा की किरणों में अमृत है, शरद पूर्णिमा अर्थात वायुमंडल साफ होता है, चंद्रमा पूर्ण विकसित होता है, उसकी किरणें जो हैं पृथ्वी तक पूर्ण रूपेण आ जाती हैं, जैसे आजकल प्रदूषण खत्म होने से चंद्रमा का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पूरा आ रहा है, पूरा आ रहा है,
प्रदूषण नहीं है वायुमंडल। इसी प्रकार शरद पूर्णिमा, तो चंद्रमा जो है अपनी चंद्र किरणों के द्वारा, अपनी किरणों के द्वारा, अपनी चांदनी के द्वारा सब वनस्पतियों को पुष्ट करता है, मानव को भी, बुद्धि और भाव इनका विकास करता है, इनका विकास करता है। तो विधु विष चबे श्रबे हिम आगी होई बारचर बार विरागी। हो सकता है, वैसे संभव तो नहीं है पर हो सकता है, मान लो थोड़ी देर के लिए चंद्रमा जो है विष की वर्षा करने लग जाए, हिम से बर्फ से अग्नि प्रकट हो जाए, होई बारिचर बार विरागी। और जो जलचर हैं जिनका जल ही जीवन है, मछली इत्यादि सभी आ जाएंगे जलचर सब, यहां बारीचर बारी यानी जल, जलचर जितने भी हैं बारी विरागी, वो जल से उनको वैराग्य हो जाए, जल से उनको नफरत हो जाए, जल को देखना नहीं चाहे, जल का सेवन नहीं करना चाहे, जल को छोड़ के जो संभव नहीं है, वो जलचर ही है भाई, जल ही उनका जीवन है, जल में ही विचरण करने वाले हैं वो जलचर है बारीचर। हो सकता है हो जाए एक बार उनको जल से वैराग्य हो जाए, छोड़ दें जल, निकल जाएं बाहर। भय ज्ञान वर मिटे न मोह, किसी को ज्ञान हो जाए और मोह की निवृत्ति ना हो, यह भी संभव नहीं है। अगर ज्ञान है तो ये भ्रांत धारणाएं कैसे टिकेंगी, जब पूर्ण प्रकाश है तो अल्प प्रकाश में जो होने वाली भ्रांत मान्यताएं हैं वो कैसे संभव, पूर्ण प्रकाश है। इसी प्रकार से ज्ञान होने पर मोह ना मिटे, भय ज्ञान बर मान लो थोड़ी देर के लिए, मिटे ना मोह, मोह की निवृत्ति नहीं हुई, अविद्या की निवृत्ति नहीं हुई, ज्ञान होने पर, जबकि संभव ही नहीं है। अगर ऐसा है तो समझ लेना चाहिए ज्ञान ज्ञान नहीं है, धोखा है। ज्ञान से तो मोह की निवृत्ति होती ही है। ज्ञान का मतलब क्या है, सब हमारी भ्रांत धारणाएं गलत धारणाएं गिर जाएं, जो तथ्य है जो यथार्थ है जो वास्तविकता है वो हमको मालूम हो, उसका बोध हो, उसकी जानकारी हो हमको, जानकारी अनुभव सिद्ध, यह नहीं कि खाली थोथी जानकारी ऊपर से लादा हुआ ज्ञान बोझ है, वो ज्ञान ज्ञान नहीं है। जैसे गधे के ऊपर कीमती हीरे मोती रत्न कुछ भी लाद दो उसके लिए बोझ है, इसी प्रकार से अगर केवल थोथी जानकारी है तो वो सब बोझ है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान भय ज्ञान बर मिटे न मोह, तुम राम ही प्रतिकूल न हो। ये सब संभव है, क्या क्या, चंद्रमा से विष झड़ने लग जाए, अग्नि से सिरम बर्फ से अग्नि प्रकट हो जाए, जलचर जो हैं पानी से वैराग्य धारण कर लें, उसका त्याग कर दें, भय ज्ञान बर मिटे न मोह, ज्ञान हो जाए और मोहन की निवृत्ति न हो, ये सब एक बार संभव हो सकता है। तुम राम ही प्रतिकूल न हो, परंतु आप जो हैं राम जी के प्रतिकूल नहीं हो सकते, सदा आप उनके अनुकूल हो, अनुकूलस्य संकल्प, आप तो राम जी के आश्रित हो, राम जी के अतिरिक्त आपको किसी दूसरे का आश्रय है ही नहीं, सही अर्थों में आप ही रामाश्रित हैं, राम आश्रय हैं। कौन, श्री भरत जी महाराज, आप ही राम आश्रय हैं, राम जी के आश्रित हैं, आप राम जी से प्रतिकूल हो ही नहीं सकते। ये सब हो सकता है, जो नहीं होने वाला है वो मान लो एक बार हो जाए, परंतु तुम राम ही प्रतिकूल ना हो,
ये माता कौशल्या जी का हृदय का भाव, हृदय का स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कह दिया कि तुम राम ही प्रतिकूल न हो। इतना बड़ा प्रमाण पत्र माता कौशल्या जी ने श्री भरत जी को दिया है। मत तुम्हारी ये जो जग कहीं सो सपने उ सुख सुगति न लही। माता जी श्राप दे रही हैं माता कौशल्या जी, ये ऊपर माता जी का आशीर्वाद है, वरदान है, तुम राम ही प्रतिकूल न हो, यह आशीर्वाद भरत जी को मिला है माता कौशल्या जी के द्वारा। आप राम जी के कभी भी प्रतिकूल नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। कितना बड़ा आशीर्वाद दे दिया माने। और अब उन लोगों को मत तुम्हारी यह जो जग कहीं, इस जगत में जो भी लोग ये कहेंगे कि इसमें तुम्हारी सम्मति रही, ये जो घटना घटी है, जो माता जी के जी ने वरदान मांगे हैं, उसमें जो लोग कहेंगे, जो लोग मत तुम्हारी यह जो जग कहीं, संसार में जो भी व्यक्ति इस प्रकार से कहेंगे, सो सपने वो स्वप्न में भी सुख और सुगति नहीं लेंगे, ये श्राप दे दिया माता जी। जब हृदय को बहुत पीड़ा होती है ना, तो एक आह निकलती है, आह निकलती है श्राप के रूप में। माता जी को बहुत कष्ट है, भरत को इतनी शपथ लेनी पड़ी, भरत को अपनी स्वच्छता दिखाने के लिए, अपनी वास्तविकता प्रकट करने के लिए इतनी शपथ लेनी पड़ी। माता जी को बहुत कष्ट हुआ, बहुत कष्ट हुआ। और उन्होंने स्पष्ट कह दिया, जगत में जो कोई भी व्यक्ति तुम्हारे विषय में ऐसा कहेगा कि इस के द्वारा जो वरदान मांगे गए उसमें तुम्हारी सम्मति रही या उस भेद को तुम जानते रहे, वो स्वप्न में भी सुगति नहीं लेंगे, सुगति नहीं लेंगे और सुख भी नहीं मिलेगा, सुख सुगति ना लाए, उनको ना तो सुख मिलेगा ना सुगति मिलेगी, अर्थात उनकी दुर्गति होगी और सदा सदा दुखी रहेंगे। बोलो कौन लोग? जो लोग परम भागवत भरत अर्थात परम भागवत हैं, श्रेष्ठ भागवत हैं, श्रेष्ठ भक्त हैं, श्रेष्ठ संत हैं, जो व्यक्ति अतिशय श्रेष्ठ भरत जी जैसे भागवतों की अथवा संतों की अथवा भक्तों की बिना जानकारी के, बिना किसी प्रमाण के इस प्रकार से मिथ्या दोष लगाएंगे उनके ऊपर, वो स्वप्न में भी सुख नहीं पाएंगे और उनकी दुर्गति होनी अवश्यंभावी है, ऐसा माता जी ने कहा है, हम नहीं कह रहे। सोच लेना चाहिए हमको, किसी भी भगवान के प्यारे भक्त के विषय में जिसके विषय में हमको जानकारी नहीं है, केवल सुनी सुनाई बातें अथवा केवल अनुमान से, केवल अनुमान से हम उसके ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं, तो हमारी दुर्गति सुनिश्चित है, हमको स्वप्न में भी सुख नहीं मिलने वाला है, स्वप्न में भी सुख नहीं, ऐसा माता कौशल्या जी ने कहा है। ऐसा कहने के बाद अस कही मात भरत ही लाए, इसके बाद भरत जी को हृदय से लगा लिया माता कौशल्या जी ने, पुनः हृदय से लगा लिया। थन पर श्रवही नयन जल छाए, और वात्सल्य भाव निकलने लगा, भाव जो है वस्तु बन के प्रकट हो गया। ये संसार में भाव, हृदय का जो भाव है वस्तु बन के प्रकट हो जाए, जल्दी संभव नहीं है, जल्दी संभव नहीं।
भाव की कितनी प्रगाढ़ता होती है जब भाव वस्तु बन जाता है, वस्तु बन जाता है। देखते नहीं मानसिक पूजा में तस्मई का भोग लगा रहे थे, किसी ने धक्का दे दिया, तस्मई नीचे गिर गई। भाव, भाव वस्तु बन जाता है जब भाव की अक्षय प्रबलता होती है, अक्षय प्रबलता होती है। इतना हम भाव विभोर हो जाएं, इतना हम भाव से भर जाएं कि भाव वस्तु बन जाए, तो वही घटना यहां घट रही है। थन पय श्रवही, माता की कौशल्या जी के स्तन से पय श्रवही दूध निकलने लगा। माता बहनों के जब इतना वात्सल्य उमड़ता है, किसी पिता के हाथ में कभी देखा है भाव आया लड्डू बन गया, कभी देखा है क्या किसी पिता ने भाव में भर के हाथ में ऐसा करा लड्डू आ गए? नहीं आएगा। पर माताओं के वात्सल्य और भाव के द्वारा आप देखते हैं, गाय जब भाव से भर जाती है बछड़े के प्रति, वात्सल्य भाव से दूध आ जाता है। और बछड़े को हटा दिया, कहते हैं गाय ने दूध फिर चढ़ा लिया। अरे दूध चढ़ाती नहीं बाबा, वो भाव उसका खत्म हो गया है जो दूध को प्रकट कर रहा था, दूध को प्रकट कर रहा। भाव जो प्रगाढ़ होता है वस्तु बन जाता है, वस्तु बन जाता है। मतलब प्रत्यक्ष देखा जाता है, ऐसा नहीं है मानसिक पूजा में कितने संतों के विषय में ऐसा सुना जाता है। भाव, यह है भाव, भाव महाभाव समाधि, तीन सोपान जो महर्षि पतंजलि के आठ अंग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान फिर समाधि, और यहां केवल भाव महाभाव और समाधि, तीसरा चरण समाधि, वहां आठवा समाधि। कितना शॉर्टकट है, हम चाहते तो हैं कि शॉर्टकट ले लें, और सुलभ भी है, ऐसा नहीं है कि शॉर्टकट है तो क्लिष्ट होगा कठिन होगा, कठिन भी नहीं। परंतु हमारे अंदर इतना दुर्भाव भरा हुआ है, इतना दुर्भाव भरा हुआ है, वो सद्भाव कहां से आएगा, कहां से आएगा, उसके लिए जगह ही नहीं है। इतना हमारे अंदर दुर्भाव भरा है कि सद्भाव के लिए स्थान ही नहीं बचा है। तो अस कहीं मात भरत ही लाए, ऐसा कह के माता जी ने भरत जी को आशीर्वाद दिया, तुम राम ही प्रतिकूल ना हो, और परम भागवत भरत जी के विषय में जो गलत धारणा रखेंगे, गलत ढंग से चिंतन करेंगे, गलत ढंग से सोचेंगे, गलत ढंग से अपनी मान्यता बना लेंगे, उनकी धारणा बन जाएगी, सो सपने सुख सुगति न लें, उस स्वप्न में भी सुख और सुगति नहीं लेंगे। और ऐसा कहने के बाद माता जी ने भरत जी को अपने हृदय से लगा लिया, और इतना वात्सल्य, इतना वात्सल्य भाव प्रगाढ़ हुआ, थन पय श्रवही नयन जल छाए, स्तन से दूध की बूंदें दिखाई दे गईं, और नेत्रों में जल भर आया, नेत्रों में जल भर आया, ये भाव इतना प्रगाढ़ हुआ है। करत बिलाप बहुत ऐ भांति, बैठ ही बीत गई सब राती। भरत जी महाराज प्रातःकाल श्री अयोध्या में पधारे, प्रातःकाल से कुछ समय माता केकई के पास रहे। जब माता केकई से सब वृतांत मालूम पड़ा, तो उस वृतांत को जानने के बाद माता कौशल्या जी के पास आए। कौशल्या जी के पास आने के बाद
ये सब लीला हुई है और अब जो रात्रि में ही ये सब घटनाएं हुई हैं, रात्रि चल रही है। करत बिला बहुत यही भांति बैठी बीत गई सब राति, रात्रि भर विलाप करते रहे माता जी और सभी लोग। बहुत भांति, बहुत यही भांति, इसी प्रकार से बहुत विलाप किया, बहुत विलाप किया। बैठे ही बीत गई सब राति, और बैठे ही बैठे संपूर्ण रात्रि किसी ने झपकी भी नहीं ली, किसी को आलस भी नहीं आया। और लेटने की तो बात ही दूर की है, बैठे ही बीत गई सब राति, संपूर्ण रात्रि जो है बैठे बैठे बीत गई है। जब मुर्गे ने बाग दी अर्थात अर्णोदय काल हो गया, अर्णोदय काल हो गया, बाम देव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। वशिष्ठ जी के पास समाचार पहुंच गया, वामदेव जी के पास समाचार पहुंच गया, और जो आठ विरक्त संत मंत्री हैं उन सबके पास समाचार पहुंच गया। सुमंत्र जी इत्यादि जो गृहस्थ मंत्री हैं उनके पास समाचार पहुंच गया। तो वामदेव वशिष्ठ सब आए, तब आए, तब वशिष्ठ जी महाराज और वामदेव जी आए। उन्होंने शेष सभी लोगों को, सचिव इसमें सब मंत्री आ गए, जो गृहस्थ हैं वो भी और जो विरक्त हैं वो भी आ गए। महाजन सकल बुलाए, और जो वरिष्ठ नागरिक हैं उन सबको भी बुला लिया। क्यों बुला लिया? अब महाराज दशरथ की अंत्येष्टि का कार्यक्रम होना है, अब महाराज दशरथ की अंत्येष्टि का कार्यक्रम होना है, इसलिए सबको बुलाया गया। महाराज दशरथ के मरण के बाद समाचार तो अयोध्या में पहुंच गया था, परंतु विधिवत औपचारिकता पूर्वक घोषणा नहीं की गई थी, घोषणा नहीं की गई थी कि महाराज दशरथ का मरण हो गया है। परंतु जब श्री भरत जी आ गए हैं तो अब विधिवत घोषणा कर दी गई है, सभी मंत्री इत्यादि को बुला लिया गया है। उससे पहले केवल विशिष्ट लोग ही वहां उपस्थित थे, और वही लोगों को जानकारी फिर एक से एक सब जानते गए, बात तो छिपने वाली थी नहीं, सभी जान गए थे। परंतु अब विधिवत घोषणा हो गई है, सचिव महाजन सकल बुलाए, सभी श्रेष्ठ पुरुषों को, वरिष्ठ नागरिकों को, जो विशेष बड़े बड़े उद्योगपति थे, बड़े बड़े व्यापारी थे, उन सबको भी बुलाया गया है। बड़े बड़े खेडूत, बड़े बड़े किसान, सभी को बुलाया गया है, सभी उपस्थित हो रहे हैं। और वशिष्ठ जी ने भरत जी को समझाया, भरत जी को समझा रहे हैं। मुनि बहु भांति भरत उपदेशे, कही परमारथ वचन सुदेशे। भरत जी जैसे सुपात्र को गुरु वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार से बहु भांति उपदेश दिया। परमारथ, कही परमारथ वचन सुदेशे, कि देखो जीव का जन्म और मृत्यु यह तो सुनिश्चित है, जातशी ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु तो होनी ही है। परंतु महाराज दशरथ इन्होंने संसार में ऐसे ऐसे महान कार्य किए, इन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए, यज्ञ के द्वारा पायस लेके साक्षात अग्निदेव प्रकट हुए, उनसे तुम चारों भाइयों की उत्पत्ति हुई, तुम सबके विवाह यज्ञोपवीत कर्णवेद इत्यादि सब हुए, गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा हुई, और भी सब कार्य हुए। ये महाराज दशरथ के जीवन काल में
जो कुछ भी यही लौकिक पारलौकिक श्रेष्ठ कार्य हैं वो सब संपन्न हुए। वैसे जीवन काल में भी वो स्वर्ग जाते थे, इंद्र जो है अर्ध सिंहासन पे बैठाता था, अब उन्होंने उस अर्ध सिंहासन पे अपना स्थाई कब्जा कर लिया, अब उन्होंने अपना स्थाई अधिकार पा लिया है। और सब मतलब जीव जीव का परमार्थ तो परमात्मा श्री राम है। आप भगवान श्री राम के अत्यंत प्रेमी हो, भगवान श्री राम से श्री राम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, अनेक प्रकार से उनको परमार्थ का उपदेश दिया। और गुरु वशिष्ठ जी ने कहा तात हृदय धीरज धरो। जिस समय वशिष्ठ जी वहां पहुंचे तो क्या स्थिति थी, करत बिलाप बहुत ही भांति, नाना प्रकार से बिलाप करते हुए बैठे ही बीत गई सब राती, उस समय की वो परिस्थिति थी। तो वशिष्ठ जी ने यहाँ अनेक प्रकार से उपदेश दे के अनेक, क्योंकि सुदेशे वचन सुदेशे, संत महापुरुष उसी को उपदेश करते हैं सुयोग पात्र देख के, अयोग को नहीं कहते। शिक्षा वा को दीजे जाको सीख सुहाए, सीख ना दीजे बान रहा जो बय का घर जाए। घड़ी तो बहुत आगे बढ़ गई है, रुकती नहीं है वो, तो रुकती नहीं, चलती रहती है चलती रहती है। तो कही परमार्थ वचन सुदेशे, उन्होंने सुपात्र भरत जी को परमार्थ के विषय में कहा, अनेक प्रकार से उपदेश दिया। क्या कहा, तात हृदय धीरज धरो, हे तात आप धैर्य धारण करें, करो जो अवसर आज, एक शब्द बोला, अब जो वर्तमान में अवसर आया है अर्थात महाराज श्री का अंत्येष्टि का कार्यक्रम, इतने में भरत समझ गए करो जो अवसर आज। ज्यादा कहना नहीं पड़ा कि इनको इस प्रकार से तेल के नाव में से निकालो, स्नान कराओ, ये करो वो करो, नहीं, समझदार को इशारा ही काफी होता है, इशारा ही काफी होता है, बस इशारा कर दिया। और जैसे ही भरत जी ने सुना करो जो अवसर आज, तुरंत उठ गए। उठे भरत गुरु वचन सुनी, करण कहो सब साज। भरत जी तुरंत उठे और उठ के जो मंत्री इत्यादि थे उनको आदेश दिया कि सब व्यवस्था करो, महाराज दशरथ की अंत्येष्टि की सब व्यवस्था करो। मंत्री फिर आगे बढ़ाएंगे, सेवकों को कहेंगे, शम भी लग जाएंगे उनकी निगरानी में, ये सब आगे का कार्यक्रम होने वाला है। अभी तो टाइम हो गया, इसलिए आज ये कार्यक्रम यहीं रखा जाता है। जय श्री राम।